everyone, I'm Aaron Mishra from class 3B. Today I'm cooking the traditional Gujarati dish khakra wheat based snacks using a microwave. Khakra banane ke liye hame ingredient chahiye. Pehle humne liya hai aata, fir thoda sa namak, fir thoda turmeric, fir red chili powder, बारीक कटी धनिया, अजवाइन सीड्स, कसूरी मेथी, ग्राउंड नट ऑयल। लेट्स स्टार्ट द कुकिंग। पहले हम आटे का डो बनाएंगे। उसमें हम एक चम्मच अजवाइन डालेंगे। फिर उसमें एक चम्मच हल्दी डालेंगे। फिर उसमें एक चम्मच बारीक कटी धनिया डालेंगे। फिर हम उसमें एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची भी स्वाद अनुसार। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा डालिएगा, कम खाते हैं तो कम डालिएगा। Now we use 2 स्पून ग्राउंड नट ऑयल। Now we make dough with the help of water. अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएं। पानी मिलाते हुए मिलाएंगे जब तक इसका सॉफ्ट डो ना बन जाए। We put some drops of oil in dough. फिर हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट होने को रख देंगे। Now 15 minutes is over. My dough is ready. अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे बेलने के लिए। ये है हमारा चकला बेलन। अब हम इसको रोल करेंगे और तब तक बेलेंगे जब तक ये पापड़ जितना पतला ना हो जाए। अब ये देखिए मेरा ये खाकड़ा रेडी है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे खाकड़े का शेप तो टेढ़ा मेढ़ा है। अब इसको राउंड करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। हमने एक बाउल लिया और इसको कट कर दिया। हम इसको चारों तरफ से अच्छे से दबाएंगे ताकि ये अच्छे से कट हो। अब ये हमारा राउंड हो गया। हम साइड से सारे आटे को हटा देंगे। हमारे ये राउंड शेप में रेडी हो गए। हम इसको माइक्रोवेव में कुक करेंगे। Now spread some oil on microwave safe plate with the help of oil brush. Now put the khakra over the plate. Now put the plate in microwave. Wait for 1 minute. मैं इसको बाहर निकालूंगा। With the help of spatula, मैं इसको पलट के वापस 1 मिनट के लिए बेक करूंगा। कैसा बनाए? अभी हमारा बन गया है, देखते हैं कैसा बना है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, यम्मी। ये कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमारा खाकड़ा कितना क्रिस्पी बना है। वाओ, ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। लीजिए आप जो भी खाइए। अब मैं
आपको खाखरे के न्यूट्रिशन पॉइंट बताऊंगा। हमने इसको बेक किया है तो ये लो फैट है जो कि आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और एनर्जी है। आप लोग के फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्दी है। होप आपको मेरी ये डिश पसंद आई होगी। आप इसको बनाइएगा जरूर। थैंक यू।